नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इन दिनों आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। अब ऐसे में जो लोग सैलरी के ऊपर काम करते हैं यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयज़, उनके पास भी लगातार नोटिसेज आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। अब ऐसे में उसे कैसे ठीक किया जाए, अगर कोई नोटिस आपके पास भी आया हो तो ये वीडियो भी आपके लिए है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीए अनिल बजाज जी, जो हमें इन सब सवालों के जवाब देंगे। एक बार इनके साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार अगर किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के पास कोई नोटिस आता है उनकी तरफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए और क्यों नोटिस आ रहे हैं इन दिनों। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस सैलरीड एम्प्लॉय को इसलिए आ रहे हैं बिकॉज सैलरीड एम्प्लॉय देखा गया है कि सैलरीड एम्प्लॉय जो बेसिकली बोगस डिडक्शंस और बोगस एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन बोगस एग्जेम्पशंस और एग्जेम्पशन डिडक्शंस को वेरीफाई करने के लिए, उनकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए वो उनको नोटिस भेज रहा है ताकि उन्होंने टैक्स अप्रोप्रिएट पे करा है या उन्होंने टैक्स की चोरी करी है। किस तरीके की बोगस डिडक्शंस क्लेम की जा रही है सैलरीड एम्प्लॉयज द्वारा? एक्चुअली सैलरीड एम्प्लॉय में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस प्रिस्क्राइब्ड हैं, पेमेंट लिंक डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जो कि ओल्ड रिजाइम में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस है, तो हाउस रेंट अलाउंस अगर हम लोग पे करते हैं बेसिकली सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो उसकी भी एग्जेम्पशन अलाउड है। सिमिलरली अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय जैसे कि आपकी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता है तो उसकी सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है। ऐसे अगर आप डोनेशन पे करते हैं तो उसका 80G में मिलती है। ऐसे जो प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम है उसका 80D में मिलती है। सेक्टर लॉट ऑफ डिडक्शन विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू सैलरीड एम्प्लॉय। तो ये जो बेसिकली डिडक्शन एग्जेम्पशन हैं, ये एक्चुअली पेमेंट नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, और वो बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दिखा देते हैं कि हम लोगों ने जैसे हाउस रेंट अलाउंस पे करा अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उसमें कोई आपको एविडेंस अपलोड नहीं करना पड़ता एक्चुअल पेमेंट करने का। तो जो फेक नंबर एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स डाल देते हैं और इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर टैक्सेस और बेसिकली यू नो क्लेम रिफंड, तो दैट्स व्हाई दे आर क्लेमिंग बोगस डिडक्शन, इसलिए वो नोटिसेस लोग आ रहे हैं इनको। जैसे कि आपने बोला कि हाउस रेंट अलाउंस का सबसे ज़्यादा होता है कि बोगस वो डाल देते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस पे करना था, इस वजह से हमने टैक्स नहीं भरा, तो इस केसेस में क्या मतलब वो ठीक है या ठीक नहीं है इस तरीके से? नहीं, हाउस रेंट अलाउंस जो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में बेसिकली स्पेसिफाइड कर रखा है वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली यू नो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और वो जनरली सैलरी का पैकेज होता है, और अगर वो बेसिकली अगर एक्चुअली उसमें से हाउस रेंट अलाउंस के अंदर सेक्शन 1013A है जो कि कहता है कि आपका लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग तीन कंडीशन है उसमें से जो सबसे कम होगा अमाउंट वो एग्जेम्प्ट हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। लाइक यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो फर्स्ट लिम्ब है वो है कि अगर आप 50% ऑफ द सैलरी इफ द एकोमोडेशन इज सिचुएट in the metropolitan city, 40% of the salary if the accommodation is situated on a non-metropolitan city. Second, uska limb hai ki you know actual HRA received. थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट होगा दैट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। तो अगर आपने इसको फॉलो करके एग्जेम्पशन क्लेम करी हुई है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज क्लेम एग्जेम्पशन। बट लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोग बेसिकली रेंट, मैंने जैसे आपको बोला कि रेंट एक्चुअली जो पे नहीं करते हैं और वो दिखा देते हैं अपनी स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को बेसिकली एज अ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दिखा देते हैं अपनी बुक्स के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। तो आपको नॉर्मल डिडक्शन बेसिकली मिल सकती है उसके बाद। तो जो लोग जैसे कि अगर किसी ने अपने स्पाउस को दिखा दिया, पेरेंट्स को दिखा दिया, तो वो उस तरीके से क्लेम हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस? यस, तो एज फार एज यू नो जो एच आर ए का जो एग्जेम्पशन मैंने बताया कि सेक्शन 1013A रेड विद रूल 2 है जिसके अंदर कोई ऐसा कोई बार नहीं है, देर इज नो बार विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 1013A कि आप अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को या ब्रदर या सिस्टर को रेंट नहीं दे सकते। तो देर आर ट्विन कंडीशन, आपको मोटा मोटा दो कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करनी है एच आर ए क्लेम करने के लिए। तो पहली कंडीशन ये है कि आप जिस एकोमोडेशन में रह रहे हैं इट शुड नॉट बी ओन्ड बाई यू, आपकी अपनी एकोमोडेशन होनी चाहिए, मीन्स वो किराए पे होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने एक्चुअली रेंट पे कराना चाहिए, आप एक्चुअली रेंट किसी को पे करें। अगर आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, चाहे वो आप रेंट एक्चुअली अपने स्पाउस को दें, चाहे अपने आप पेरेंट्स को दें, चाहे अपने रिलेटिव को दें, देर इज नो बार, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके साथ साथ हमारे को इस चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपने स्पाउस या पेरेंट्स इन एडिशन टू दिस टू कंडीशन, हमारे को जैसे एक नॉर्मल सिनेरियो में बंदा अगर आप सपोज नॉर्मल एक आप रेंटल ले रहे हैं तो आपको यार नॉर्मल ह्यूमन बींग जो बिहेव करता है वैसे ही बिहेव करना चाहिए। हमारे पास एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय सपोज स्पाउस या अपने रिलेटिव को दे रहा है तो देर मस्ट भी प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट। देन उसका रेंट एग्रीमेंट के आपका प्रॉपर एक्चुअली रेंट की पेमेंट्स होनी चाहिए बाय बैंक ट्रांसफर्स, ठीक है। देन आपके रेंट रिसीट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर TDS की रिक्वायरमेंट है, कुछ कुछ केसेस में TDS की रिक्वायरमेंट भी होती है रेंट पे काटने की, जैसे 194IB है, तो अगर आपका 50,000 रुपये से ऊपर मंथली
मंथली रेंट है तो आपको उसमें टीडीएस काटना पड़ता है, तो टीडीएस है तो टीडीएस भी कटा जाए और टीडीएस का प्रॉपर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो अगर आप सारी की सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो जरा जुडिशियल प्रेसिडेंट ऑन सब्जेक्ट, तो आप इवन दो अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को या नियर एंड डियर को रेंट देंगे तो यू कैन डेफिनेटली क्लेम एज अ डिडक्शन और देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इवन दो इफ यू गेट अ नोटिस देन यू कैन सिंपली रिप्लाई फॉर दैट, देर इज नो इशू इन दैट। अच्छा, तो जिस तरीके से इन दिनों आयकर विभाग द्वारा नोटिसेस जा रहे हैं वो किस सेक्शन के अंडर जो है वो भेज रहा है? नोटिसेस जनरली बेसिकली आजकल जो 133(6) एक सेक्शन है जिसके अंदर असेसिंग ऑफिसर का पावर होती है इंक्वायरी की, तो उसको 133(6) के अंदर वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स नोटिसेस भेज रहा है टू कॉल फॉर द वेरियस इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द सैलरीड एम्प्लॉइज। और उस नोटिस में किस तरीके की कंडीशन लिखी जाती है, क्या कुछ मांगे होती हैं? जो वो नोटिसेस के अंदर जनरली जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे आपकी लास्ट ईयर की 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न मांग रहे हैं, प्लस आपसे वो बैंक स्टेटमेंट्स मांग रहे हैं 3 सालों की, प्लस वो सारे एविडेंसेस मांग रहे हैं कि आपने डिडक्शंस जो एग्जेम्पशंस क्लेम करी हैं वो आपने कैसे क्लेम करी उसके आपके प्रूफ मांग रहे हैं, प्लस वो आपके साथ फॉर्म 16 मांग रहे हैं और भी एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो उनको लगता है कि टू सपोर्ट टू सब्सटैंशिएट द डिडक्शंस और एग्जेम्पशन जो आपने क्लेम करी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे वो कॉल फॉर करते हैं उस नोटिस के अंदर। अगर जैसे किसी ने वो सब डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए तो उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, अगर आपने जेन्युइनली टैक्स पे कर रखा है और आपका जेन्युइन डिडक्शंस है और डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई कर दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट इज ऑब्जेक्टिव इज नॉट द टैक्स डिपार्टमेंट टू पनिश द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। अगर आपने सब कुछ जेन्युइनली कर रखा है तो इज नो प्रॉब्लम, यू कैन फाइल द रिप्लाई, दे विल कंसीडर एंड द नोटिस विल गेट, यू नो देयर इज नो फर्दर इंक्वायरी ऑन द सब्जेक्ट। इसे अक्सर क्या होता है कि किसी के पास इस तरीके से इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आए तो वो व्यक्ति घबरा जाता है ज़्यादातर केसेस में, तो उसमें मतलब किसी को घबराने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए एकदम से? नोटिस आ रहे हैं तो आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए, आप उसका रिप्लाई कीजिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ बेसिकली कुछ इनकरेक्ट क्लेम करा है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से या टैक्स एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली उसका रिप्लाई दीजिए। और अगर आपको लग रहा है गलत क्लेम कर रखा है तो आप उसके अप्रोप्रिएट टैक्सेस पे कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप टैक्स गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो ओनली अगर आपको लग रहा है कि आपने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई आपने फेक डिडक्शन या कोई बोगस क्लेम कर लिया है तो यू कैन पे द अप्रोप्रिएट टैक्सेस अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑन द इन रिस्पॉन्स टू दैट नोटिसेस। तो मतलब जैसे वो नोटिस अगर आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई करना, उनको रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी एकदम? यस, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको नोटिस आ रहा है कि आपकी ड्यूटी है कि आपको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, आपको उसको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करना चाहिए विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट उस नोटिस में डिफाइन है उस टाइम लिमिट के साथ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो उसके ऊपर कुछ रिपरकशंस वगैरह कुछ? हाँ यस, अगर आपने देखो नोटिस का रिप्लाई नहीं किया डेफिनेटली बात है आपको इसके अंदर एक पेनल्टी भी होती है 272A(2) के अंदर, 500 रुपया पर दिन की पेनल्टी है जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे। सपोज करो आपकी डेट डिफाइन कर दी कि इस डेट से रिप्लाई कीजिए, उस डेट से लेकर अगर आपने जब तक रिप्लाई नहीं करा तो आपको 500 रुपये की पर दिन की पेनल्टी लगेगी इसके अंदर, ठीक है। और इस पेनल्टी के अलावा आपका जो केस है वो फर्दर आपको रीअसेसमेंट भी कराया जा सकता है उसके अंदर फर्दर, यानी कि आपके पूरी पूरी स्क्रूटनी हो सकती है उस नॉन रिप्लाइंग ऑफ दैट 133(6) नोटिसेस। तो अगर किसी के पास जैसे कोई एम्प्लॉय है सैलरी के ऊपर वो काम कर रहा है और उसके वो चाहे कि उसके पास ये नोटिस ना आए तो क्या क्या वो प्रिकॉशंस ले सकता है कि उसके पास नोटिस ना ही आए? तो हमारे को आई थिंक इसके लिए हमारे को करना क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे को करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। वी शुड नॉट बेसिकली यू नो क्लेम एनी फॉल्स डिडक्शंस एंड वी शुड नॉट क्लेम एनी बोगस डिडक्शन। हमारे को कोई भी गलत डिडक्शन या गलत यू नो एग्जेम्पशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डालनी चाहिए, सब कुछ हमारे को करेक्ट फाइल करना चाहिए। नंबर टू, हमारे को बेसिकली टैक्स इवेजन नहीं करना है, हमारे को टैक्स प्लानिंग करनी है क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर लॉट ऑफ टैक्स प्लानिंग टूल्स फॉर सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। अब वो जो टैक्स प्लानिंग के टूल्स हैं उन टूल्स को यूज़ करके आपको टैक्स प्लानिंग करना है, कोई भी आपको टैक्स इवेजन का मैकेनिज्म इस्तेमाल नहीं करना है। तो अगर आप ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, करेक्ट टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, प्लानिंग से करेंगे, फेक डिडक्शंस नहीं लेंगे, एग्जेम्पशंस लेंगे, तो आपको नोटिसेस कोई भी ऐसा नहीं आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को इस तरीके की जानकारी दी, उन्हें इतना उजागर करवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सीए अनिल बजाज जी, जिन्होंने हमें इस तरीके की जानकारी दी जो हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसके साथ ही जो भी इसको लेकर आपकी राय है, अगर आपके पास और भी कोई सवाल है इस टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप